देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं हूं नीतू बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। खबर खटीमा से है। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही व ठेकेदार की मनमानी से किया जा रहा है अमानक व गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण। आपको बताते चलें, खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में मेलाघाट रोड से फाइबर कंपनी की सीमा तक स्वीकृत पकड़िया आंतरिक मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग खटीमा द्वारा कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से मानक को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से बिल्कुल घटिया सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय जनता में काफी आक्रोश है तथा जनता खुलकर इसका विरोध कर रही है। निर्माण कार्य शुरू होने से दो दिन पूर्व ही क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी व खटीमा तहसीलदार द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया था कि गुणवत्ता युक्त व मानक के अनुरूप ही सड़क का निर्माण करें। इसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा आनन फानन में मनमाने तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। खटीमा वार्ड नंबर 10 के सभासद मुकेश कुमार ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रोड पर उगी घास और मिट्टी पर बिना साफ सफाई के तथा रोलर का इस्तेमाल किए बिना ही हल्का फुल्का कोलतार छिड़काव कर रोड का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि मानक के अनुरूप नहीं है। सभासद ने बताया कि मानक को दरकिनार कर गुणवत्ता विहीन रोड का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मानक के अनुरूप ही गुणवत्ता युक्त रोड का निर्माण कर जनता को रोड की समस्या से निजात दिलाया जाए। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जेएस रावत का कहना है कि जो रोड बनाया जा रहा है वह पकड़िया आंतरिक मार्ग के नाम से स्वीकृत रोड का एक हिस्सा है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। रोड पर पत्थर बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है, डामरीकरण किया जा रहा है। मानक के अनुसार लेवल का 2 सेंटीमीटर पीसी का काम है। रावत ने बताया कि जेई और एई के निरीक्षण के बाद रोड की साफ सफाई कर निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार को दिशा निर्देश कर दिया गया है। आप देख रहे हैं खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। आप रोड पे हम लोग वहाँ चेक करने गए तो हमने देखा गांव के सभी लोग थे। आप देख सकते हैं कितने लोग परेशान हैं यहाँ पर रोड की वजह से, और कई महीने वो रोड पड़ी नहीं थी यहाँ पे। अब यहाँ पर ये रोड पे ना घास छीली जा रही है, घास उगाई रोड पे, वो घास भी सफा नहीं करी जा रही है और मिट्टी भी साफ नहीं करी जा रही है, ना रोलर घुमाया जा रहा है उस पर, और मात्र हल्का सा कोल तार छिड़क के उस पर रोड डाल दी जा रही है। इसलिए हम इस रोड पर विरोध कर रहे हैं कि ये रोड नहीं बननी चाहिए, इस तरह से नहीं बननी चाहिए, इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और हमारी ज्यादा कोई जनता प्रशासन मांग नहीं है, रोड अच्छी क्वालिटी की बने। जिस प्रकार से जनता अपना पैसा टैक्स के रूप में देती है सरकार को, उस हिसाब से रोड का बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग करा जा रहा है। ठेकेदार अपने मनमानी तरीके से रोड डाल रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं वार्ड नंबर 10 का सभासद हूँ। पकड़िया में जो है ये दो तीन रोडे मिला के जो पकड़िया आंतरिक मार्ग के नाम से स्वीकृत हुई, लागत तो देखना पड़ेगा टोटल कितनी है, क्योंकि अलग अलग है। जो पकड़िया वाली रोड जिसके आप कह रहे हैं, जो 1.5 किलोमीटर लंबाई की रोड है, ये रोड जो है स्टार्ट होती है और उसके लास्ट इसका एंड जो है बंद है, रोड का एंड जो है बंद है, और इसमें पत्थर उत्थर का काम हो चुका है। अभी परसों से ही डामर का काम शुरू हुआ है इसमें। तो यहाँ गांव इस बारे में क्या कहेंगे हम? तो मानक के अनुरूप जो हमारा 2 सेंटीमीटर की प्रीमिक्सिंग कारपेट का काम होना है, डामर का काम जो ऊपरी काम है सतह लेपन का, तो 2 सेंटीमीटर पीसी का है, तो उसके लिए जेई और एई जो है कल भी गए थे और आज भी सवेरे मेरे जेई ने बताया कि मैं आज भी उसका निरीक्षण करके आया हूँ, और जो उसमें थोड़ी बहुत सफाई की और आवश्यकता पड़ रही तो उसके लिए ठेकेदार को और लेबर को निर्देशित कर दिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसी विशेष खबरों के साथ। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र।